नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अरुण गाजीपुरिया के चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम एक ऐसे फीचर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो फॉर्च्यूनर के ऑटोमेटिक वेरिएंट में आता है, उसका नाम है आइडल स्टार्ट एंड स्टॉप। ठीक है, ये फीचर कैसे काम करता है, इसका क्या यूज है, मतलब क्या आपको प्रॉफिट होता है और कब इसे यूज नहीं करना चाहिए, इस बारे में हम पूरा डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले मैं दिखा देता हूं, उसकी एक आपको मैनुअली बटन मिलती है, उसको अगर आप यूज करना चाहते हैं तो वो ऑटोमेटिक अपने से ऑन रहता है। अगर आप नहीं यूज करना चाहते, उसे बंद रखना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है मैं बता दूं। देखिए यहाँ पे ए वाला जो बटन लिखा है, ये ए, इसको अगर आप प्रेस कर देंगे, ठीक है, इस एक मिनट दिखाता हूँ, ए को इसको अगर आप प्रेस करते हैं तो ये फीचर आप बंद कर पाएंगे और नहीं तो ये अपने से ऑन रहेगा। चलिए मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ क्लियर करके। पहले मैं गाड़ी का इग्निशन ऑन कर लेता हूँ। तो चलिए पहले हम गाड़ी का इग्निशन ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ से गाड़ी का इग्निशन ऑन हो गया, अब हम बताते हैं। देखिए अगर आप इस फीचर का यूज़ नहीं करना चाहते, आपको रफ ड्राइविंग करनी है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि हमारी गाड़ी रुके चले, तो आपको नॉर्मली यहाँ से जो ए वाला बटन है इसको आप प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे एक ऑरेंज कलर का ए लिख के आएगा जिस पे ऑफ लिखा है। ठीक है, इसका मतलब कि आपका आइडल स्टार्ट एंड स्टॉप वाला फीचर ऑफ हो गया है, आप जैसे मन करे वैसे चले, गाड़ी अपने से नहीं बंद होगी। अब बात आ गई इसका यूज कैसे होगा वो मैं आपको बता दूं। तो पहले हम ड्राइव मोड में गाड़ी को ले लेते हैं और यहां से हम इसे बंद कर देते हैं। ठीक है, अब ऐसे हम चले और जैसे ही हम आगे जाएंगे, जैसे देखिए यहां पे आए और जैसे ही हम ब्रेक का अप्लाई करेंगे, देखिए ब्रेक को अप्लाई करें और गाड़ी का इग्निशन बंद हो गया। ठीक है, अब यहां पे कुछ टाइमिंग लिख के आ रही है। अब जैसे ही अपना आप ब्रेक के ऊपर से पैर हटाते हैं, गाड़ी का इग्निशन ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं करके दिखाता हूँ। देखिए गाड़ी का इग्निशन ऑन हो गया, पैर हटाते ही गाड़ी का इग्निशन ऑन हो गया और गाड़ी मूव में आ गई। ठीक है, अब ये चलने लगी। अब लेकिन बात ये फंस रही है कि अगर आपको कहीं 5-7 मिनट रुकना हो तो फिर आप क्या करेंगे, उसमें भी तो पैर से क्या, पैर हमेशा दबाना ही दबाए रखेंगे तब गाड़ी रुकी ही रहेगी, ऐसा नहीं होगा। वो कैसे होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ड्राइव मोड में गाड़ी अभी मैं रोका नहीं हूँ पूरी तरह से, फिर भी देखिए यहाँ पे एक्टिव हो गया ये। ठीक, अब मैं चल के आपको दिखाता हूँ कि अगर आप मान लीजिए रेलवे क्रॉसिंग वगैरह पे कहीं फंस गए, 10 मिनट का जाम है, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। तो चलिए नॉर्मली चलते हैं, देखिए ऐसे आगे बढ़े और हम यहाँ आ गए मान लीजिए इस वाले पॉइंट पे, और हम ब्रेक को अप्लाई करते हैं। ठीक है, देखिए गाड़ी बंद हो गई, ये एक्टिव हो गया। अब इसे हम डाल देंगे पार्किंग मोड पे, ठीक है, और यहाँ से हैंड ब्रेक हटा देंगे और इसे अब हम ब्रेक छोड़ दिए, देखिए ब्रेक छोड़ दिए लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। इसका मतलब कि ये आप पार्किंग पे लगा दिए हैं और यहाँ से हटा दिए हैं, फिर भी आपको तब आपको टाइम मिल गया, आपके गाड़ी का पूरा सब कुछ फीचर मतलब सब कुछ काम करेगा, साउंड वाउंड सब, और ये गाड़ी का बस इंजन ऑफ हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, जैसे ही आपका आप देखिए सिग्नल खुल गया तो इस पर जैसे ही प्रेस करते हैं पैर, देखिए गाड़ी का इग्निशन ऑन हो गया, देखिए आरपीएम का कट आउट गया। ठीक है, ऐसे गाड़ी का इग्निशन ऑन हो गया। तो इससे ये फायदा होगा कि आप अगर इससे ज्यादा टाइम के लिए भी यूज कर रहे हैं, मतलब 5-10 मिनट वेटिंग वाला जगह पे खड़े हुए हैं, फिर भी आप इसका यूज कर सकते हैं, और 10-20 सेकेंड वाले जगह पे भी खड़े हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसका फायदा क्या है। तो भाई इसका फायदा ये है कि आपके गाड़ी की जो फ्यूल एफिशिएंसी होगी ना वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे छोटी छोटी जगहों पे आप जब रुकते हैं 10 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के, 20 सेकंड, आपको नहीं लगता है कि उससे ज़्यादा आपका फ्यूल खर्च हो रहा है, लेकिन होता यही है कि उससे आपका अच्छा खासा फ्यूल खर्च होता है। लेकिन जब ये फीचर आप यूज़ करेंगे ना तो आपके गाड़ी का जो फ्यूल कंजम्पशन होगा वो कम हो जाएगा और आपका एवरेज थोड़ा सा अच्छा आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। अभी इसके अलावा अगर आप यूज़ ही नहीं करना चाहते तो आराम से यहाँ पे ये बटन क्लिक करिए, यहाँ पे ऐसे ऑरेंज कलर का बन के आ गया, फिर आप जैसे भी चलाएं। देखिए कभी कभी ये होता है ना कि आप अगर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में रुके हैं तब आपको दिक्कत होती है कि 2 मीटर चले फिर बंद हो गए, 2 मीटर चले बंद हो गए, तो उस टाइम अगर आप अपनी गाड़ी ऑन ही रखना चाहते हैं तो इसके ऐसे करके आप ऑन रख सकते हैं। यार ये है पूरा इस फीचर का यूज, आप कैसे कर सकते हैं नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपको यूज़ करना है तो करिए, नहीं करना है तो आप नहीं भी यूज़ कर सकते, दोनों ऑप्शन है इसमें। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आपके भाई का चैनल है। और एक बात बता दूँ, लाइक कर देना यार वीडियो को, प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, धन्यवाद।